हम आ चुके हैं पंजी। और यहाँ पे इन लोगों ने फोटोशूट स्टार्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे रेस माइगोस फोर्ट पे आए हैं और यहाँ रिसेप्शन है, यहाँ से टिकट लेनी होगी। और ये टिकट प्राइस मैडम 50 rupees पर पर्सन। फाइनली रेस माइगोस फोर्ट, आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोनाउंस करेक्ट है। सो अभी हम आए हैं और हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं क्रूज में जाने का सोच रहे हैं। सो चलो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जगह को। और इसकी प्राइस है 50 पर पर्सन। सो यहाँ से एंट्री है, लेट्स गो। देख सकते हो इतना टॉप पे है और इतना मतलब चलना है। सो चलो चलते हैं। व्यू देखो गाइस, सो ये फोर्ट बहुत प्यारा है, बहुत मस्त है। और हम अभी जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ है और देखो। सो चलो चल। सो बेसिकली दिस इज अ रियल, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है, रितु एंड इन दोनों। हम साइड में जो बजे सो अभी मॉर्निंग के बजे है 6 और हम जा रहे हैं दूध सागर। सो हमारी बस आ रही है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और गाइस बिलीव करो, हम 4:30 को हम मॉर्निंग में सुबह में उठ गए थे। फिर हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अभी हम जा रहे हैं। तो मिलते हैं दूध सागर वाटरफॉल जाके। बस आ चुकी है। अभी हम जा रहे हैं दूध सागर। वाटरफॉल जीप पे गए थे, सो आप लाइक ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो, लेकिन वो बहुत ही दूर है एक तरीके से। सो हमने जीप लेकर दिया और ये 2000 rupees में सब कुछ इंक्लूडेड था, लाइक लंच भी आप कर सकते हो और जीप लेकर आप ऊपर आपको जाना होता है। 7 के ग्रुप में वो लोग डिवाइड कर देते हैं और रास्ते में इतना सुंदर व्यू होता है। और ये जो सारे आप ट्रीज देख सकते हो वहाँ पे, बहुत सारे ट्रीज, काजू के ट्रीज भी है। और वहाँ पे लेपर्ड भी अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन वो मॉर्निंग के टाइम पे नहीं दिखते। सो फाइनली दूधसागर वाटरफॉल आ चुका था और ये काफ़ी अच्छा था। और ये बंदर मतलब बच के थोड़ा, ये लोग बैग्स वगैरह लेके जाते हैं ये बंदर लोग। सकते हो अभी दूध सागर पे कितना क्राउड है, फुल क्राउड है। और यार व्यू तो बहुत मस्त है, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से।
सो वहाँ का मॉर्निंग टाइम का व्यू बहुत ही अच्छा था, काफ़ी खूबसूरत था। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा व्यू देखा होगा। देख सकते हो यहाँ पे लाइक इंडियन लोग ही नहीं है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी है जो यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। बहुत सागर वाटरफॉल के बाद हमारा यहाँ पे पाम रिसोर्ट पे हमारा लंच था, और यहाँ पे भी हमें प्लांटेशन के बारे में सब कुछ समझाने वाले थे यहाँ पे, और जैसे कि बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट्स को कैसे उगाया जाता है, कैसे वो ग्रो करते हैं। फिर यहाँ पे नेचुरल्स और की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। सो बेसिकली यहाँ का फूड इतना अच्छा नहीं था। ये जो पाम रिसोर्ट है वहाँ का लंच इसमें था ऐसे एक ब्रेड था, फिर कैबेज था, दाल फ्राई थे, और बस इतना ही था, और इतना कुछ खास नहीं था खाना, लेकिन हमने खा लिया था क्योंकि बहुत सिंपल था। सो सभी लोग यहाँ पे खा रहे थे खाना, और दूसरा कंपार्टमेंट था वहाँ पे भी अलग फूड रखा था, लेकिन वो हमें अलाउड नहीं था। पर हम लोग ऑर्गेनिक जो स्पाइसेस वगैरह ग्रो करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनिक होता है। तो एक्चुअल हम लोग 200 एकड़ घूमने वाले नहीं है, जो आगे का एरिया है हम लोगों ने डेवलप किया है, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट स्पाइसेस कैसे ग्रो करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे वेरियस मेडिसिनली हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो बताते हैं। शॉर्ट टूर रहेगा। ओके, तो हमारा वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस रहेगा सैफ्रन। और कितने कलर्स के या फिर कितने स्टेजेस के पेपर होते पता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय।